नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश कुमार तिवारी डीएलएड कार्यक्रम के इस चर्चा सत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज के हमारे चर्चा का विषय है डिस्लेक्सिया एवं अन्य अधिगम अक्षमताएं, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मिजोरम विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कृष्णकांत त्रिपाठी जी मौजूद हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार डॉक्टर गिरीश, आज बहुत ही रोचक विषय पे मैं शिक्षार्थियों का स्वागत करता हूँ कि इस पे चर्चा की जाए। और रोचक और जटिल विषय मैं कहना चाहूँगा, जटिलता इसमें यह है कि इसके विषय में भ्रांतियाँ बहुत हैं और भारत में इसको पहचान बहुत ही बाद में मिली। पिछले दशक में एक मूवी भी आई थी आमिर खान महोदय की, जी, तारे जमी पर। उसमें इस विषय पर चर्चा की गई थी, लेकिन उसमें जो लक्षण दिखाए गए वो मूवी की एक सीमा भी है कि उसमें सब कुछ नहीं दिखा सकते हैं। उसमें कई विकारों और अक्षमताओं को मिलाकर एक मूवी बनाई गई थी। उसको डिस्लेक्सिया या कोई अधगम अक्षमता की पहचान उसके आधार पर नहीं की जा सकती है। तो इस पे इसको पहचानने के लिए, जैसे कि अधगम अक्षमता है, हमारे शिक्षक और हमारे जो स्कूल हैं उनका सीधा सीधा संबंध अधिगम से है, तो क्यों ना डॉक्टर त्रिपाठी हम लोग ऐसा करें, अपने चर्चा की शुरुआत हम अधिगम अक्षमता क्या है इस विषय से ही करें। बहुत सही कहा डॉक्टर गिरीश साहब ने कि जैसा कि हमने बताया कि उस मूवी में इस विषय पर चर्चा हुई थी, जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई थी उस मूवी के माध्यम से, लेकिन उसमें संप्रत्य को पूर्णतया नहीं बताया गया था। एक उदाहरण मैं वहाँ से लूँगा कि डिस्लेक्सिया से जो पीड़ित व्यक्ति है, या कहें कि जिससे सफ़र कर रहा है, जो डिस्लेक्सिया से युक्त, कई तरह शब्दावली प्रयोग की जाती है, अभी हम किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाए हैं, उसमें अक्षर नाचते हुए दिखते हैं, अक्षर जो हैं किसी शब्द के सिक्वेंसिंग अलग अलग हो जाती, आगे पीछे हो जाती, ये सब समस्याएँ बच्चों में आती हैं और हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो विद्यालय हैं, उनका सीधा सीधा संबंध अधिगम से है। और जैसा कि ये अधिगम अक्षमता है, तो हमारे शिक्षकों को जानना चाहिए कि ये क्या इसके लक्षण हैं, इसका संप्रत्यय क्या है। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा, 1963 में सैमुअल किर्क ने अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग अभिभावकों के एक समूह को संबोधित करते हुए उन बच्चों के लिए किया था जिन्हें अधिगम से संबंधित गंभीर कठिनाइयाँ थीं, जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं था। आरंभ में डिस्लेक्सिया शब्द अधिगम अक्षमता का पर्यायवाची बन गया, जबकि एक यह प्रकार है, पर्याय नहीं है। सैमुअल किर्क द्वारा अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए जाने के बाद एवं अन्य कई अधिगम अक्षमताओं के प्रकाश में आने के बाद डिस्लेक्सिया को अधिगम अक्षमता का एक प्रकार माना गया। डिस्लेक्सिया व्यक्ति विद्यार्थी की पठन क्षमता, इसे रीडिंग एबिलिटी कहते हैं, को प्रभावित करता है। यह एक न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है, अर्थात यह विकासात्मक अवधि के दौरान होती है जो मस्तिष्क की प्रत्यक्षण से जुड़ी है। अधिगम अक्षमता विकार एक व्यापक पद है जिसके अंतर्गत वे सभी विकार शामिल हैं जिनके कारण बच्चे की बुद्धि लब्धि और उसके शैक्षिक निष्पादन में गंभीर अंतर देखने को मिलता है, यदि कोई अन्य विकार इसका कारण ना हो। अधिगम अक्षमता अथवा विकृतियाँ भी अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, यथा बच्चे को पढ़ने में कठिनाई हो, जिसे डिस्लेक्सिया कहते हैं, बच्चे को लिखने में कठिनाई हो, जिसे डिसग्राफिया कहते हैं, बच्चे को गणितीय गणनाओं में कठिनाई हो, जिसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। इसके अलावा भी इसके अन्य प्रकार, कई प्रकार की अधिगम अक्षमताएँ जी हैं। अब हम इसकी पहचान कैसे करें, ये एक जटिल समस्या है और इसमें हमारे देश में बहुत सारे उपकरण उपलब्ध नहीं हैं जिनके परीक्षण बोलते हैं, टेस्ट बोलते हैं, कि अधिगम अक्षमता को हम जांच सकें और किसी को हम किसी एक सिम्टम्स के आधार पर अधिगम अक्षम नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ तो इसके लक्षण होंगे जिनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अमुक पालक या अमुक विद्यार्थी अधिगम अक्षमता से, और इसमें इस विशेष प्रकार की अधिगम अक्षमता, जैसे कि आपने बताया डिस्लेक्सिया, डिसग्राफिया, तो इस विशेष प्रकार की अधिगम अक्षमता इस विद्यार्थी में पाई जाती है। जी जी, मैं बताना चाहूँगा कि एक
इस विषय में मनोविकारों के क्षेत्र में एक जिसे सत्ता मान सकते हैं अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, उसका एक दस्तावेज है जिसे DSM-5 कहते हैं, उसका 5वां संस्करण आया है। उसके अनुसार हम डिसलेक्सिया की पहचान करते हैं, उसमें 4 कारण बताए गए हैं, 4 लक्षण बताए गए हैं, 4 मानदंड बताए गए हैं डिसलेक्सिया के। तो वो मानदंड क्या है, इसकी विस्तृत चर्चा आप हमारे विद्यार्थियों के साथ करें। जो जिसे ए कहना सही होगा कि जो ए कैटेगरी का मानदंड है उसमें 6 प्रकार हैं जी। उसमें अधिगम में कठिनाई और शैक्षिक कौशलों के प्रयोग में कठिनाई जो कम से कम पिछले 6 महीने से हो एवं जिसमें निम्नलिखित लक्षणों में कम से कम एक अवश्य दिखाई देता हो, वो लक्षण इस प्रकार हैं: अशुद्ध धीमा एवं प्रयासपूर्ण शब्दों को पढ़ना, जैसे शब्दों को तेज आवाज में पढ़ना, पढ़ने में गलती, धीमी गति से पढ़ना, हिचकिचाते हुए पढ़ना, शब्दों को बोलने में कठिनाई आदि। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपने एक बात की अभी, प्रयासपूर्ण पढ़ना, तो ये प्रयासपूर्ण पढ़ने का क्या आशय है? प्रयासपूर्ण पढ़ने का आशय ये है कि जैसे हम अगर भाषा ज्ञान है तो हम आसानी से शब्द को पढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चे को उसमें पढ़ने में कठिनाई हो रही, कहीं ना कहीं जो संज्ञानात्मक और जो चक्षु और संज्ञान है वो उसमें कहीं कोऑर्डिनेशन में समस्या आ रही है। तो दूसरे इसमें जो 6 कारण, उसमें एक तो ये है, दूसरा ये है पढ़े गए शब्दों वाक्यों का अर्थ समझने में कठिनाई, जैसे शब्दों एवं वाक्यों को शुद्धता से पढ़ना परंतु उनका क्रम संबंध अर्थ और उनका भाव समझने में कठिनाई। तीसरा उच्चारण संबंधी समस्या, जैसे कोई शब्द जोड़ देना अथवा कोई शब्द छोड़ देना अथवा पढ़ते वक्त स्वर को व्यंजन एवं व्यंजन को स्वर वर्णों से प्रतिस्थापित कर देना आदि। चौथा कारण ये है लिखित अभिव्यक्ति में कठिनाई, जैसे अत्यधिक व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ, विभिन्न भावचिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ, बेतरतीब पैराग्राफ, लिखे गए पैराग्राफ में विचारों की स्पष्टता का अभाव। पांचवा जो लक्षण है प्रथम तरह के लक्षणों में, गणितीय तार्किक क्षमता में कठिनाई, गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय संकल्पनाओं, तथ्यों एवं प्रक्रियाओं के प्रयोग में गंभीर कठिनाई। और छठवां अंकों के प्रयोग में कठिनाई, उन्हें समझने में आंकिक गणना में कठिनाई, जैसे अंकों की अल्प समझ, उनका परम उनके अपने संबंध आपसी संबंध आदि के अल्प समझ, अंकों की गणना करने में अपने सहपाठियों के विपरीत स्मृति की बजाय बार बार उंगलियों का प्रयोग करना, गणितीय गणनाओं के बीच में भूल जाना और प्रक्रिया परिवर्तित कर देना। ये 6 लक्षणों में से जो प्रथम प्रकार के लक्षण, इसमें एक होना आवश्यक है। अब जो दूसरे प्रकार के लक्षण बताए गए हैं 4 प्रकार में से, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा डॉक्टर त्रिपाठी। कभी कभी मैंने ये देखा है कि कुछ विद्यार्थी उच्चारण करते समय वर्णों का क्रम बदल देते हैं, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन, जैसे इश्क को इक्ष कहना जी जी, अक्सर ऐसा देखा जाता है, तो क्या ये भी अधिगम अक्षमता का लक्षण है? इसमें हम अभी जो चौथे प्रकार में आएंगे, शायद आपका प्रश्न का उत्तर वहाँ मिल जाएगा, जिसे दूसरा प्रकार जो है कि उसमें अन्य कारणों को जो इसके अलावा कारण हो सकते हैं उसको हटाने की भी बात कही गई है इस दस्तावेज में। जैसे दूसरे प्रकार के कारण है प्रभावित शैक्षिक कौशल उस आयु के बालकों से अपेक्षित स्तर से सार्थक रूप से कम होता है एवं बालक के शैक्षिक निष्पादन, व्यवसायिक निष्पादन, दैनिक कार्यकलाप को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, जिसे व्यक्तिगत रूप से प्रशासित विभिन्न मानक परीक्षण द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। जो अन्य प्रकार के मानक परीक्षण हैं उनके द्वारा अगर नहीं है तो ये एक अधिगम अक्षमता कही जा सकती है। इसके अलावा जो तीसरा मतलब कि इन्होंने बताया मानदंड, अधिगम कठिनाइयों का आरंभ विद्यालय जाने की आयु में तो हो जाता है परंतु उसके पूरी तरह परिलक्षित होने में समय लगता है, जब तक कि शैक्षिक कौशलों की पूर्वापेक्षा उसके सीमित क्षमताओं से ज़्यादा ना हो जाए, जैसे सीमित समय परीक्षणों में, सीमित समय में लंबे जटिल रिपोर्ट लिखने में और पढ़ने में, एक कठिन शैक्षिक कार्यों में। चौथा जो है, जो आपने कहा था कि इसके अलावा भी कारण हो सकता है, इस अधिगम अक्षमता को ज़्यादा स्पष्ट रूप से बौद्धिक अक्षमता के रूप में, किसी प्रकार की दृष्टि अक्षमता के रूप में, श्रवण क्षमता ह्रास के रूप में या किसी अन्य मानसिक अथवा स्नायविक विकार के रूप में, मनोसामाजिक ह्रास के रूप में
अनदेशनात्मक भाषा की कमी के रूप में या अनुपयुक्त शिक्षा के रूप में परिभाषित किया जाना संभव ना हो। जो आपने आपने उदाहरण दिया था इस्क और इक्स का, अगर बच्चे ने इक्स ही सुना है, अगर वो इक्स बोल रहा है तो ये अनुपयुक्त शिक्षा होगी। तो अगर ये सब कारण नहीं है तो फिर वो अधिगम अक्षमता मानी जाएगी। भारतीय निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 के अनुसार, मैंने बताया कि अभी भी बहुत ही कुछ समय पहले ही इस विकार को एक मान्यता मिली है हमारे देश में, तो जो भारतीय निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 है उसके अनुसार विशिष्ट अधिगम अक्षमता से असमान स्थितियों का वह समूह अभिप्रेत है जिसमें लिखित अथवा मौखिक भाषा की प्रोसेसिंग की कमी दिखाई देती है, जो समझने, बोलने, लिखने, उच्चारण अथवा गणती संगणनाओं में कठिनाई के रूप में परिलक्षित होती है, तथा जिसमें प्रत्यक्षण समस्याएं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसप्रैक्सिया, विकासात्मक अफेजिया शामिल हैं। पहले तो ये जो DSM-5 है, इससे पहले इसे एक व्यापक विकासात्मक विकार माना जाता था, अब इसको एक संज्ञानात्मक विकासात्मक विकार माना जाता है। वही हमारे इस भारतीय निःशक्त जन अधिकार कानून में भी कहा गया है, प्रत्यक्षण समस्याएं और लिखने पढ़ने और गणती समस्याओं को हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। अब इसके मैं बताना चाहूँगा कि इसके परीक्षणों का अभाव है, लेकिन हमारे शिक्षकों को जानना चाहिए कि कुछ परीक्षण उपलब्ध हैं। एक DST डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से परीक्षण उपलब्ध है जो पियर्सन से प्रकाशित होता है। ये इसमें दो प्रकार हैं, DST-J जो 6 से 6.5 वर्ष से 11.5 वर्ष के बच्चों के लिए है जी। और DST-S जो है वो 11.5 से 16.5 वर्ष के बच्चों के लिए है। और दूसरा जो भारतीय परीक्षण है GLAAD कहते हैं, ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस, जो कक्षा 6 तक के बच्चों के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है, उसके ऊपर के बच्चों के लिए प्रयोग नहीं किया सकता। इसको NIMS सिकंदराबाद में विकसित किया गया है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर एक बात और हमारे विद्यार्थियों को बताएं कि ये जो उपरोक्त दो टेस्ट, दो परीक्षण के आपने नाम बताए, तो ये परीक्षण सिर्फ डिसलेक्सिया के लिए ही बने हैं या अन्य अधिगम अक्षमताओं के में भी, की जांच में भी, के निदान में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं? ये अधिगम अक्षमताओं के लिए बने हैं। अच्छा। और इसमें जैसे DST है वो डिसलेक्सिया के लिए है जी, डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट है, और वो दूसरा है वो अधिगम अक्षमताओं के लिए है। तो मैं अब चाहूँगा कि हमारे शिक्षार्थी अधिगम अक्षमताओं युक्त विद्यार्थियों के लक्षण के जो लक्षण हैं जी, कि कैसे उन्हें पहचाना जाए, क्योंकि कक्षा कक्ष में देखने के बाद या विद्यार्थी का अवलोकन करने के बाद उसे कैसे पहचाना जाए कि वो किस प्रकार के अधिगम अक्षमता से, पहले तो यह पहचानना कि वह अधिगम अक्षमता से का शिकार है या अधिगम अक्षमता से गुजर रहा है जी, और किस प्रकार की अधिगम अक्षमता से वो पीड़ित है, इस बात का कैसे वो निर्धारण करेंगे? अधिगम अक्षमता एक अक्षमता या विकार है जिसमें कई श्रेणी, तीव्रता तथा क्षेत्र वाली कठिनाइयां सम्मिलित होती हैं। जैसा कि हमारे कानून में भी कहा गया है कि ये डिसऑर्डर का सेट है अधिगम अक्षमता, एक चीज नहीं है, इसमें कई चीज़ें हैं। ये कठिनाइयाँ स्वतंत्र रूप से या समूह में किसी अधिगम अक्षमता युक्त बालक में प्रकट हो सकती हैं। अधिगम अक्षम बालक में निम्नलिखित व्यवहारगत लक्षण पाए जाते हैं जिन्हें समझकर इस प्रकार के बालकों की शीघ्र पहचान की जा सकती है। प्रथम, बौद्धिक विशेषताएँ। सामान्यतः अधिगम अक्षमता युक्त छात्र सामान्य या सामान्य से अधिक बौद्धिक स्तर के हो सकते हैं तथा कुछ विशेष प्रतिभा के भी होते हैं। प्रत्यक्षीकरण संबंधी समस्याएं। प्रत्यक्षीकरण का संबंध अर्थपूर्ण संवेदना से है। प्रायः अधिगम अक्षमता युक्त बालकों को प्रत्यक्षीकरण में समस्या उत्पन्न होती है, फलस्वरूप वे विभिन्न ध्वनियों एवं दृश्यों में विविधीकरण और उद्दीपकों को उसके नियत स्थान पर रखकर प्रत्यक्षीकरण में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे बालक भिन्न भिन्न उद्दीपकों पर समान प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे बालकों में दीर्घकाल एवं अल्पकालिक स्मृति संबंधी समस्याएं होती हैं जो धारणा एवं
प्रत्यास्मरण आधारित होती हैं। अन्य बालकों की अपेक्षा समायोजन वर्गीकरण एवं व्यवस्थित करने का कौशल भी उनमें कम होता है। अधिगम अक्षमता के कारण इनकी गामक क्षमताएं प्रभावित होती हैं। व्यवहारगत एवं भावनात्मक समस्याएं भी होती हैं संज्ञानात्मक के अलावा। त्रिपाठी, व्यवहारगत समस्याओं पर आने से पहले मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, जो आपने अभी बौद्धिक लक्षण बताए, तो बौद्धिक लक्षणों में आपने ये बताया कि विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता सामान्य या असामान्य से ज्यादा या कुछ विशेष प्रतिभा के भी स्वामी होते हैं, तो इसका निर्धारण क्या हम बुद्धि परीक्षण के आधार पर करते हैं? जी, मैंने कहा कि अधिगम अक्षमता को पहचानना एक कठिन कार्य है, जबकि अन्य कारण ना हो जी तभी हम अधिगम अक्षमता कह सकते हैं। तो हो सकता है इसमें, और मैंने जो प्रारंभ किया कि उसमें बौद्धिक क्षमता जो बुद्धि है और उसकी शैक्षिक जो प्रगति है या उसकी समझ है, उसमें एक बड़ा अंतर आ जाता है, तब कहीं ना कहीं हम संदेह कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं अधिगम अक्षमता हो सकती है, फिर हम उसके पर निदान करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा व्यवहारगत भी या भावनात्मक समस्याएं भी होती हैं इन बच्चों के साथ में। अधिगम अक्षमता युक्त बालक कई बार या तो अतिक्रियाशील प्रतीत होते हैं, कम क्रियाशील प्रतीत होते हैं। ऐसे बालकों के व्यवहार में प्रायः शीघ्र विचलन, अल्प ध्यान केंद्रीकरण, स्मृति दोष, अति संवेग, अति तीव्र एवं असमान भावपूर्ण प्रतिक्रियाएं परिलक्षित होती है। यहाँ पर हम एक बात और बताना चाहेंगे कि ये जो आपने सुना होगा ADHD जी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उस ये अधिगम अक्षमता के साथ उसमें अक्सर संबंध देखा गया, दोनों का तालमेल है कहीं वो कहीं। इसके साथ जोड़ने पे समस्या को और गंभीर बना देता है। ऐसे बालकों को सामाजिक समायोजन में अधिक कठिनाई होती है, क्योंकि प्रायः संवेगों के प्रभाव में वे सामाजिक मूल्यों एवं सीमाओं का उल्लंघन कर जाते हैं। ऐसे बालक स्वयं के व्यवहार के प्रभाव का आकलन नहीं कर पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें समुचित समझ एवं अन्य भावनात्मक बोध का अभाव होता है। परिणाम स्वरूप उन्हें दूसरे से सदैव नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त होती है और समाज में वे अवांछित हो जाते हैं। दूसरों से प्रभावपूर्ण अंतःक्रिया में अक्षमता के कारण उनमें आत्मसम्मान का अभाव हो सकता है। गामक क्षमता, जो मैंने कहा था, गामक क्षमता की भी समस्या आती है। अधिगम अक्षमता युक्त विद्यार्थियों में कई बार गामक क्षमता से संबंधित समस्याएं भी पाई जाती हैं, जैसे कई बार दाईं एवं बाईं ओर जाने क्रम में प्रतिक्षण की कठिनाई कारण इसका उल्टा कर जाते हैं। विद्यार्थी बाईं ओर चले जाते हैं दाईं ओर जाने की बजाय, और जब दाईं ओर जाना होता है तो बाईं ओर चले जाते हैं, विपरीत कर देते हैं। इसके साथ ही स्मृति से संबंधित भी इसमें समस्याएं हैं, जैसे प्रायः ऐसे छात्रों को शब्दों एवं ध्वनियों को जो शब्दों का निर्माण करती हैं याद करने में कठिनाई हो सकती है। इन्हें अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक स्तर पर शब्दों का अर्थ प्रत्यास्मरण में समस्या होती है। इनकी यह अक्षमता या तो उनकी स्मृति दोष के कारण होती है, अथवा इनकी दीर्घकालिक स्मृति संबंधित सूचनाओं के प्रत्यास्मरण संबंधी समस्याओं के परिणाम हो सकती है। संप्रेषणीय क्षमता, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भाषा से संबंधित समस्या है, तो जब पढ़ने लिखने और बोलने में समस्या आएगी तो संप्रेषण में अपने आप समस्या आ ही जाएगी। तो अधिगम अक्षम बालकों को ध्वनियों को उच्चारित करने में कठिनाई का सामना अकारण करना पड़ता है। ऐसे बालक ध्वनियों की पुनरावृत्ति एवं हकलाहट से ग्रसित होते हैं। इन्हें भाषा के वास्तविक स्वरूप को सामाजिक प्रयोग हेतु रूपांतरित करने में समस्या होती है। यह समस्या अधिगम संप्रेषण हेतु उचित शब्दों के चयन के रूप में प्रदर्शित होती है। जैसे आप जानते हैं कि भाषा के कई रूप हैं, जैसे शब्द बोध है, ध्वनि बोध है, और फिर जो सामाजिक रूप है कि भाषा का प्रयोग, किसी वाक का प्रयोग, किसी शब्द का प्रयोग किस परिप्रेक्ष्य में कैसे करना है वो नहीं हो पाता, इसलिए सामाजिक ये सब कह सकते हैं कि अंतर संबंधित है। जो सामाजिक समस्याएं हैं, गामक समस्याएं हैं, जो स्मरण संबंधित समस्याएं, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। अब आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से कि अधिगम अक्षमता प्रभावित करता है इन चीजों को, लेखन कौशल को, गणितीय कौशल को, संबंध को, शिक्षा को, उच्चारण को, स्वास्थ्य को, करियर को, सफलता को, पठन कौशल को, और कह सकते हैं पूरे जीवन को।
अब इसके जो प्रकार हैं, जो पहले भी कहा कई प्रकार हैं, तो मुझे लगता है शिक्षार्थियों को जानना चाहिए कि कौन कौन से प्रकार। बिल्कुल, ये जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हम अधिगम अक्षमता की पहचान तो कर लिए, लेकिन ये नहीं जान पाए कि ये अक्षमता किस प्रकार की है, तो हम उसका समुचित निदान भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए समुचित उपचार करने के लिए प्रकारों का जानना बहुत आवश्यक है। दूसरी मैं कहना चाहूँगा कि इसमें कई प्रकार हैं। जी, मैं चाहूँगा कि हमारे शिक्षार्थी मुख्य प्रकार को जाने, और जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जिनकी समस्या ज़्यादा ज़्यादा दिखती है, जिससे पीड़ित व्यक्ति अधिक दिखते हैं, अधिक मिलते हैं, उनके विषय में वो ज़्यादा जाने। जी, पहला है पाठ्य अधिगम अक्षमता, जिसे कहते हैं डिसलेक्सिया, सबसे अधिक जाना जाने वाला शब्द है। जी, सब लोग जानते हैं, और इसे अधिगम अक्षमता का पर्याय भी माना जाता रहा है, और विशेष रूप से उस फिल्म तारे जमीन के आने के बाद, जी, जो फिल्म आई तारे जमीन पर, इसके बाद से तो ये शब्द प्रचलन में आ गया। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि जो फिल्म तारे जमीन पर आई थी वो जागरूकता फैलाने के लिए अच्छी है, लेकिन निदान के लिए अच्छी नहीं है। उसके आधार पर हम किसी को अधिगम अक्षम नहीं कह सकते हैं। हाँ, लेकिन ये शब्द उस फिल्म से प्रचलन में जी, आ गया। प्रचलन में आ गया। तो जो डिसलेक्सिया वाले बालक या बच्चे जी, हैं, जी, प्रायः अपने वर्ग के अन्य छात्रों से पठन पाठन, अर्थबोध, भाषा प्रवाह एवं उच्चारण आदि क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पीछे रहते हैं। सामान्यतः ऐसे छात्र को ध्वनियों, वर्णों एवं संख्याओं के विपरीत अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। यह समस्याएं बाद में श्रवण एवं वाचन संबंधी समस्याओं को और गंभीर बना देती हैं। कई बार मौखिक वाचन के क्रम में हकलाना इसमें एक लक्षण है, जो लिखा है उसके विपरीत वो और कुछ पढ़ जाते हैं। दूसरा है लेखन संबंधी अधिगम अक्षमता, इसे डिसग्राफिया अंग्रेजी में कहते हैं। यहाँ पर चित्र में आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से शब्दों में अक्षर उल्टा हो जाते हैं, लिखने में कठिनाई महसूस होती है, शब्द में वर्णों का क्रम इधर उधर, या वाक्य में शब्दों के क्रम में परिवर्तन, जैसे नाम को मान पढ़ना आदि। वर्तनी संबंधी दोष, शब्दों को उल्टा या उनका मिरर इमेज लिखना, जैसे पी को क्यू लिखना, डी को बी लिखना, एम को डब्ल्यू लिखना आदि। समान उच्चारण वाले ध्वनियों को ना पहचान पाना आदि। भाषा के अर्थपूर्ण प्रयोग में कठिनाई, जैसा कि आप जानते हैं कि रीडिंग और राइटिंग जी, दोनों ही जो भाषा के चारों कौशल हैं उसमें आपस में जुड़े हैं। मुख्य रूप से जो पढ़ना और लिखना है उनका संबंध अधिक नज़दीक का है। अगर का पढ़ने में कठिनाई है, हमने गलत पढ़ा है, तो हम गलत ही लिखेंगे। तो वो आप मानसिक समस्या कह सकते हैं, कॉग्निटिव डिसऑर्डर कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी को। तीसरा जो मुख्य प्रकार है, जिसे कहते हैं गणित से संबंधित अधिगम अक्षमता, डिसकैलकुलिया। मुख्यतः गणितीय कार्यों में कठिनाई होना इसका एक लक्षण है। गणित के भाषा पर आधारित प्रश्नों को समझने में कठिनाई, अंकों के स्थानीय मान को समझने में कठिनाई, आधारभूत गणितीय संक्रियाओं में कठिनाई, गणित के प्रश्नों को हल करने में भागना, समान अंकों की पहचान में कठिनाई, जैसे 0 और 8 में अंतर करना नहीं कर पाते हैं, 6 या 9 में अंतर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे जो हमारे रोमन नंबर हैं उसमें 6 और 9 में एक डिजाइन बस ऊपर नीचे कर की जा सकती है, और उनको 6 का 9, 9 का 6 दिख सकता है। तो इस तरह से घटती समस्याएं हैं इनके साथ। अब डॉक्टर साहब, एक शंका मेरे मन में उठ रही है डिसग्राफिया को लेकर, जो आपने बताया विद्यार्थियों को कि इसके ये लक्षण हैं, तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी जो डिसग्राफिया से पीड़ित होते हैं, कभी कभी कैपिटल और स्मॉल अक्षरों के प्रयोग में भी गलत कर देते हैं। कैपिटल स्मॉल का समस्या भी होता है, वो लेखन संबंधी समस्या है, कई रूपों में आ सकती है। एक ये नहीं कह सकते इतना ही है इसका क्षेत्र, अभी भी इसके परीक्षण चल रहे हैं विभिन्न देशों में, और इसको और अधिक हर बार हम और नई चीज़ें जोड़ते जा रहे हैं अधिगम अक्षमता में। तो इसको पहचानना कोई अभी ये नहीं कहा कि यही फाइनल है, कि अंतिम रूप हमने नहीं अभी दिया तक है। हम अंतरिम कह सकते हैं या अनंतिम कह सकते हैं, लेकिन अंतिम नहीं कह सकते हैं। इसमें आप शिक्षक होने के नाते कई तरह से पहचान सकते हैं, जैसे आप निरीक्षण कर सकते हैं, जिस पे आप बच्चे पर डाउट कर रहे हैं कि इसमें
कहीं अधिगम अक्षमता तो नहीं उसमें, ऐसा नहीं कि आपने एक बार देखा दो बार कहा और टैग लगा दिया जी। और फिर केस स्टडी, केस स्टडी मेथड एक शोध का या अनुसंधान का विधि है और उसमें आप व्यक्ति को गहराई से और कई तरीके का डेटा लेते हैं, जैसे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव डेटा कहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों से जानने की कोशिश करते हैं और अधिक से अधिक तरह के परीक्षणों का प्रयोग करते हैं, संपूर्ण जानकारी करते हैं। तो इसके लिए कहेंगे कि जो निरीक्षण के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद आप एक संपूर्ण जानकारी के लिए उसके केस स्टडी जरूर करें। माता पिता की सूचना, माता पिता से आपको सूचना प्राप्त करनी है, वर्ग शिक्षक की सूचना, सहपाठियों एवं भाई बहनों से प्राप्त सूचना, होमवर्क के रिकॉर्ड का विश्लेषण करना, ये इन कई मतलब कि कई तरीके के आप परीक्षण और सूचनाओं के आधार पर, कई तरीके का जो सूचना है, डेटा है जी, जी। उसके आधार पर एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं शिक्षक के रूप में, एक सामान्य पहचान हम बताना चाहते हैं। दूसरी बात है कि इसकी हम कैसे इन बच्चों को पढ़ाएंगे, कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि प्रत्यक्ष अनुदेशन किया जा सकता है ऐसे बच्चों का, अति संशोधन मतलब कि आप उसमें आलस ना करें, जब भी बच्चे गलती करें उसमें आप करेक्शन करें, प्यार से करें। बहुसंवेदी उपागम जो मल्टी सेंसरी अप्रोच है कि बच्चे को देखने में समस्या है तो बोलना भी, और कई तरह के अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, तो आप अधिक से अधिक सेंसेस को कैटर करने की कोशिश करें, मतलब कि आप दिखाएं भी, बताएं भी, लिखें भी। सहयोगी शिक्षण तकनीक का प्रयोग करें, तकनीक आधारित शिक्षण का प्रयोग करें, संगणक आधारित गणित शिक्षण करें, योग्यता आधारित समूहन भी करें उनके उन्हीं एबिलिटी ग्रुप में उनके, मतलब एक जैसा बताया कि सामाजिक समस्या भी होती है, ग्रुप नहीं बन पाता, तो एक उसी एबिलिटी ग्रुप के बच्चों के साथ उनके ग्रुपिंग भी करें जिससे कोऑपरेटिव लर्निंग भी हो सके जी। धन्यवाद डॉक्टर तिवारी, आपने बड़े ही सारगर्भित ढंग से, बड़े ही रोचक ढंग से हमारे विद्यार्थियों को जानकारी दी अधिगम अक्षमता के संदर्भ में, बताया उन्हें कि अधिगम अक्षमता से क्या आशय है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं, मुख्य प्रकार इसके कौन कौन से हैं, कैसे हम इन विद्यार्थियों की पहचान कर सकते हैं, इसके नैदानिक परीक्षण कौन कौन से हैं, और इन विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाया जाए, जो सबसे अहम बात है कि इन विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाया जाए, बड़े ही सुंदर ढंग से आपने हमारे विद्यार्थियों को बताया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साथ ही हमारे सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, नमस्कार।